नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल गंगाराम राशि रत्न केंद्र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप बड़ी आसानी से मात्र 2 मिनट में रियल माणिक और फेक माणिक की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में मार्केट में बहुत ज़्यादा माल डुप्लीकेट उपलब्ध है और जब व्यक्ति रत्न खरीदने जाता है तो जानकारी के अभाव में उसके साथ धोखाधड़ी होने के पूरे चांस रहते हैं। तो आज माणिक की मैं आपके सामने लाइव टेस्टिंग करूंगा। ये मेरे पास में 2 पैकेट है माणिक के। ये वाला पैकेट पूरी तरह सिंथेटिक है और ये वाला माणिक पूरी तरह से रियल है, साउथ अफ्रीका माइंस का है, नो ट्रीटमेंट है। तो ये दो जो पानी की कटोरियां हैं, कांच के गिलास, कांच की कटोरियों में पानी भरा हुआ है, इसमें डाल करके मैं आपको बताऊंगा बड़ी आसानी से आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा माणिक असली है, कौन सा माणिक नकली है। इससे अलग भी माणिक की कुछ खास पहचान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है, आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 2 पैकेट माणिक के हैं। दोस्तों, यह वाला जो पैकेट है माणिक का, यह पूरी तरह से सिंथेटिक है। ये देखिए, देखने में बहुत चमकदार है लेकिन सिंथेटिक है, और यह साउथ अफ्रीका माइंस का रियल माणिक है। इन दोनों को हम ये यहाँ इन कटोरियों में पानी में अलग अलग डाल देते हैं और इनके किस तरह के इफ़ेक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह जो सिंथेटिक वाला माणिक है, आप ये देखिए, पानी के अंदर जाते ही इसकी चमक कम हो गई, पानी के बाहर बहुत ज़्यादा चमकदार है। ये देखिए, पानी के बाहर बहुत ज़्यादा इसमें चमक है, लेकिन पानी के अंदर जाते ही इसकी चमक बहुत कम हो गई, 70-75% तक इसकी चमक समाप्त हो गई। इस प्रकार सिंथेटिक माणिक को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अब जो ये रियल माणिक है, इसको हम पानी में डालते हैं। दोस्तों, ये देखिए, बाहर इसकी चमक कम है लेकिन पानी के अंदर जाते ही एकदम शानदार इसका कलर, और ये पानी को एकदम लाल कर देगा। ये मूंगा गलती से आ गया माणिक, ये पानी को एकदम से कहीं ना कहीं आप लाल आभा बहुत क्लियरली बहुत स्पष्ट ये पानी के अंदर आप देख सकते हो। दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, पानी के जो ऊपर में लाल आभा आपको दिखाई पड़ रही है, यही रियल माणिक की पहचान है। आप फिर दोनों जो पानी की कटोरियां हैं, इनको मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, पानी पर लाल रंग की जो आभा है बहुत स्पष्ट आप देख सकते हैं चारों कोनों में, और माणिक की चमक बरकरार है, जबकि सिंथेटिक माणिक अपनी आभा खो चुका है और बहुत ज़्यादा इसमें किरणें नहीं है। कहीं कोने पर यहाँ पर किरणें हैं, यहाँ पर किरणें हैं, पूरे पानी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है सिंथेटिक माणिक, और अपनी चमक बिल्कुल ख़राब कर चुका है, जबकि रियल माणिक ने पूरे पानी को कहीं ना कहीं प्रभावित किया हुआ है और चमक में कोई कमी नहीं आई है, बढ़ जाती है। उसकी किरणें आपको पानी की ऊपरी सतह पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो फेक माणिक है, जो सिंथेटिक रत्न है, वह पानी में जाने के बाद अपनी चमक, अपनी आभा बिल्कुल खो देता है। उसकी ताकत आपको उसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी पहचान, प्रातःकाल जब आप रियल माणिक को, जो कुदरती पीस है, उसको जब आप कमल के फूल की कली के ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर रखने के कुछ ही देर बाद वह कली पूरी तरह से खिल उठेगी। अब अगली टेस्टिंग है यहाँ पर दोस्तों, वेट, वजन की टेस्टिंग। दोस्तों, अब करते हैं माणिक की वेट टेस्टिंग। ये देखिए, 2 माणिक देखने में एक जैसे साइज के हैं, लेकिन जो सिंथेटिक रत्न है उसका वजन थोड़ा हल्का होता है, हाथ में लेकर आप आइडिया कर सकते हैं, और जो रियल माणिक है उसका घनत्व, उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। ये रियल माणिक का वजन देखिए यहाँ पर 10.50 कैरेट, और जो दूसरे वाला सिंथेटिक माणिक है, देखने में साइज में लगभग इतना ही है, इसका वजन यहाँ पर होता है 8.35 कैरेट, 2.25 कैरेट का फर्क है। रत्न होते हैं माणिक हो पुखराज हो, उनका जो घनत्व होता है, उनकी जो हार्डनेस होती है, ग्रेविटी होती है, वह ज़्यादा होती है, जबकि फेक रत्न में यह गुण नहीं पाया जाता।
फेक रत्न बड़ा होने के बाद भी वजन में थोड़ा हल्का रहता है, हाथ में लेकर के आप उसका आइडिया कर सकते हैं। तीसरा, यदि कोई रत्न बहुत ज़्यादा चमकदार है, यदि कोई रत्न बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंस है, खूबसूरत है और आपको कम दामों में मिल रहा है, उस रत्न के डुप्लीकेट होने के चांस 99% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर रियल माणिक या कोई भी रत्न खूबसूरत है, चमकदार है, ट्रांसपेरेंस है, कलरफुल है, वन कलर में है, उसमें सारे गुण हैं, तो निश्चित रूप से वह अपनी कीमत से नीचे नहीं आएगा, वह रत्न महंगा होगा। तो रत्न खरीदते समय एक ऑप्शन यह भी है कि आप लैब टेस्ट जब आप किसी रत्न की करा लेते हैं तो सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर जिम्मेदारी लैब की शुरू हो जाती है, तो लैब टेस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिना लैब टेस्ट कराए आप रत्न को ना खरीदें। जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दी, यह भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी आप रत्न की लैब टेस्ट ज़रूर कराएं। यदि कोई बेचने वाला सही है, अपनी जगह अच्छा माल आपको दे रहा है, तो वह गवर्नमेंट या किसी अच्छी लैब से टेस्ट करा के ही आपको रत्न देगा। कामना करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक